प्रॉब्लम 1.13 देखो बच्चों, कहता है दो स्फीयर्स हैं अपने पास बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे आइडेंटिकल साइज के। एक तीसरा स्फीयर लेकर आए अपन सेम साइज का लेकिन अनचार्ज। तो देखो ये प्रीवियस प्रॉब्लम का टर्म है, ये भी प्रीवियस प्रॉब्लम का है और ये नया चार्ज लिया है। तो यहाँ लिख लो आप क्यू है इसके पास, यहाँ पर भी क्यू है और इसके पास बच्चों जीरो चार्ज है। पहले इसको कॉन्टेक्ट में लाया फर्स्ट के, फिर कॉन्टेक्ट में लाया सेकेंड के, मतलब फर्स्ट इट इज कॉन्टेक्ट विथ ए एंड देन इट इज कॉन्टेक्टेड विथ बी एंड देन फाइनली रिमूव कर दिया दोनों के साथ। तो नया वाला फोर्स रिपल्शन का कितना होगा प्रीवियसली ए और बी में, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप लोग कि यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है। अगर इनिशियली अपन बात करें इनिशियली, तो फोर्स का टर्म पुराने वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, के लिखा अपन ने, दोनों पे सेम चार्ज है और यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर, और एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1.5, 2 और 3 दोनों मिल जाएंगी और ये हो जाएगा माइनस में 2 न्यूटन। यहां तक अपन को समझ में आना चाहिए बच्चों पहले, ठीक है। फिर इसको समझ लेते हैं अपन, फर्स्ट स्टेप में क्या करने को बोला इसने। ये कह रहा है कि ए स्फीयर इस तरह रखा हुआ है और सी को लाके टच कर दिया आपने, ये हो गया सी, ठीक। इसके पास शुरू में चार्ज Q था और इसके पास जीरो था, दोनों को ऐड कर लो और आधा आधा बांट दो, तो यहां मिल जाएगा Q बाय 2 और इसके पास भी मिल जाएगा बच्चों Q बाय 2। फिर इस C को उठा करके B के पास लेके गए, क्वेश्चन ये तो बोल रहा है अपन को। तो यहाँ B रखा है, यहाँ पे C आ गया, B के पास Q नाम पे चार्ज है और ये अनचार्ज नहीं रहेगा अभी, इसके पास ये वाला टर्म रहेगा चार्ज का विच शुड बी Q बाय 2। दोनों को ऐड करोगे कितना मिल रहा है टोटल चार्ज यहाँ पे 3Q/2, इसको हाफ हाफ करके यहाँ पे बांट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3Q/4 और ये हो जाएगा 3Q/4। कंडक्शन में अगर आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो सेम अमाउंट में चार्ज बढ़ जाता है, जैसे अपन दो फ्रेंड्स हों और पैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो वही कहानी यहाँ चल रही है। फाइनली क्या देख सकते हो आप लोग कि जो पहले वाले पे बाद में रहने वाला चार्ज है वो है Q/2 और बी पे बाद में रहने वाला चार्ज है 3Q/4। यहां तक पहुंच गए तो अपना प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, विच मींस ये हो गया अपने पास Q/2 और इसका टर्म आ रहा है बच्चों 3Q/4। तो अपन लिखते हैं द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन मांगा है ऐसे, देखो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो लिखेंगे इसको एफ का डैश लगा लो, के तो वैक्यूम की बात हो रही है, ये हो जाएगा क्यू ए और ये हो जाएगा क्यू बी, भूलना नहीं नए वाले चार्ज लिखने, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। यहाँ हो गया के, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ क्यू बाय 4 होल डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आंसर मिल रहा है बच्चों 3/8 के आएगा, क्यू का स्क्वायर आएगा और ये हो गया आर का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा नया वाला फोर्स। देखो इसको ढंग से क्या है, ये है अपना प्रीवियस क्वेश्चन का फोर्स का एक्सप्रेशन, तो ये आ गया आंसर 3/8 टाइम्स ऑफ एफ विच शुड बी 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1.52 और यहाँ आ रहा है माइनस में 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको न्यूमेरिकल, ये अपन तो नए वाले फोर्स का टर्म मिलेगा 5.7, ये और कम हो जाएगा एक, तो माइनस में 3 न्यूटन और यही हमारा आंसर होगा। सिर्फ एक ही बात पूछी इसने कि नया वाला फोर्स निकालो इतना हो जाने के बाद। तो देखो आप चार्ज यहाँ पर ने बांट दिए और यहाँ पर ही बांट दिए और सीधे आंसर ये मिलने लगा। ओके स्टूडेंट्स।